हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज एक नई सीरीज की स्टार्ट हो रही है। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर। दिल्ली का जो एयरपोर्ट है T3 टर्मिनल, जहां से इंटरनेशनल डिपार्चर होता है। तो गाइस, अभी ये सुबह के 3 बजे का नज़ारा है दिल्ली एयरपोर्ट का। तो ये बाहर का व्यू है। आप करते हैं एंट्री अपने दिल्ली एयरपोर्ट में। तो भाई, दिल्ली एयरपोर्ट पर 6 गेट है, आप किसी से भी एंट्री कर सकते हो। ऐसे सिक्योरिटी चेक होता है, ये आपके पासपोर्ट वगैरह आईडी वगैरह देखेंगे और आपको टिकट देख के अंदर भेज देंगे। तो टिकट लेने के बाद आप लोग पहुंचे अपने चेक इन काउंटर पे। जो भी आपकी फ्लाइट है, जैसे विस्तारा एयर इंडिया, आप उसके काउंटर पे जा सकते हैं और अपने बोर्डिंग पास ले सकते हैं। बोर्डिंग पास आपको फ्लाइट के डिपार्चर से 3 से 4 घंटे पहले इशू होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बोर्डिंग लेने के बाद आप लोगों को कराना होता है सिक्योरिटी चेक। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलर कर रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी चेक कराना होता है। तो मैं भी आज इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आपको मिलता हूँ सिक्योरिटी चेक कराने के बाद। तो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पूरे 1 साल बाद हमारी इंटरनेशनल ट्रिप स्टार्ट हो रही है। तो आज की जो ये ट्रिप है हमारे पड़ोसी देश की है, जो कि 10 पहाड़ियों से घिरा हुआ। आप लोगों को पता ही है कि जो आज तक भी कभी किसी देश का गुलाम नहीं हुआ, तो आज उसी देश में हम जा रहे हैं। जी हाँ, हम जा रहे हैं नेपाल। तो हमारी जो फ्लाइट है विस्तारा की, वो सुबह 7:55 की है, जो कि गेट नंबर 14 ऐसे डिपार्चर होगी। तो फिलहाल अभी हम सिक्योरिटी चेक वगैरह करके आ गए, तो अभी जाएंगे ड्यूटी फ्री एरिया में। ये अपना सारा सिक्योरिटी चेक है पीछे करके आए हैं, और ये अपना ड्यूटी फ्री एरिया। ड्यूटी फ्री एरिया में स्टार्ट करेंगे अपनी व्लॉगिंग, तो आपको दिखाते हैं ड्यूटी फ्री एरिया। तो आप लोग ड्यूटी फ्री एरिया को एंजॉय करो पूरा अच्छे से, क्योंकि भाई इंडिया का जो दिल्ली का ड्यूटी फ्री एरिया, वो सबसे वो अच्छा ड्यूटी फ्री एरिया माना जाता है और फेमस भी है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की ब्रांड वगैरह मिलेगी आपको ना। ये देख लो, हर तरह की ब्रांड है, क्रिएटिव सेलिब्रिटी दिल्ली जो भी है। तो गाइस, ये ना दिल्ली का ड्यूटी फ्री एरिया है पूरा ना। तो ड्यूटी फ्री होता है, आपको टैक्स फ्री एरिया होता है कि जहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। इंपोर्टेड आइटम हो, चाहे विस्की वगैरह हो, या कोई भी चॉकलेट वगैरह या कॉस्मेटिक आइटम हो, सभी चीज़ों में कोई भी टैक्स नहीं लगता, इसलिए इसे ड्यूटी फ्री एरिया कहा जाता है। तो ये पूरा ड्यूटी फ्री एरिया है T3 इंटरनेशनल डिपार्चर का। तो सारे ड्यूटी फ्री एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल आप ये ड्यूटी फ्री यहाँ पे सभी जितने भी ब्रांड्स हैं ना, जैसे सुपर ड्राई वगैरह, मोन्टाबिल, सारे ड्यूटी फ्री, सारे यहाँ पे ब्रांडेड वगैरह, एक एक सबकी शॉप्स वगैरह यहाँ पे हैं। तो भाई, अभी मैं दिखाता हूँ आपको जो दिल्ली एयरपोर्ट का रनवे है ना, जहाँ पे सारी फ्लाइटें खड़ी रहती है, वो चीज़ दिखाता हूँ आपको। आओ, वहाँ पे दिखाता हूँ। तो भाई, ये ना सारे एरिया है जहाँ पे फ्लाइटें वगैरह खड़ी होती है सारी। देखो, एयर इंडिया की फ्लाइट है जो आ रही है अभी, ये अपने बोर्डिंग गेट पे लगेगी जहाँ से फिर डिपार्चर होगी। ये देखो खड़ी है सामने, सारी एयर इंडिया खड़ी है। ये कोरनाडा की खड़ी है कोई, है क्योंकि स्टार एयरलाइंस खड़ी है। स्टार एयरलाइंस भी टाटा की है, क्योंकि स्टार एयरलाइंस जो है वो टाटा वालों ने ऑब्जर्व किया, क्योंकि इसका स्टार एयरलाइंस का ऊपर लॉन्च है, तो स्टार एयरलाइंस को भी टाटा ने अपने अंदर मर्ज किया हुआ है। तो स्टार एयरलाइंस के भी जो है वो भी एयर इंडिया के ही प्लेन्स हैं। वो सामने जो खड़ा है वहाँ पे स्टार एयरलाइंस, ये वाला, ये सारे टाटा के अंदर के ही हैं सब। तो भाई, सारा ड्यूटी फ्री एरिया मैंने आपको दिखा दिया, अभी जो पीछे एयरलाइंस वगैरह खड़ी है वो भी दिखा दी मैंने आपको। अब मैं चलता हूँ अपने बोर्डिंग गेट पे। तो गाइस, बोर्डिंग गेट से पहले कुछ आपको एक यूनिक चीज़ दिखाता हूँ, जो दिल्ली एयरपोर्ट पे मुझे सबसे अच्छी लगती है। अभी तक मैंने वो किसी वीडियो में दिखाई नहीं है, पर आज मैं उसे दिखाता हूँ। जी हाँ, मैं आपको दिल्ली एयरपोर्ट के सबसे खास चीज़ दिखाता हूँ, वाटर डिस्पेंसर। ये देखो, दिल्ली एयरपोर्ट के वाटर डिस्पेंसर है, जिससे आप मुँह लगा के भी पी सकते हैं और आप बोतल भी रिफिल कर सकते हैं। ये मुझे सबसे यूनिक लगता है दिल्ली एयरपोर्ट। मैं जब भी आता हूँ यहाँ से पानी ज़रूर पीता हूँ। अगर आप लोग भी चाहें तो पानी पी सकते हैं, बिल्कुल प्योर वाटर है और अच्छा वाटर है। सो गाइज, अभी बैठा हूँ मैं अपने बोर्डिंग गेट पे, जो कि है 14A। यहाँ से अपनी जो फ्लाइट है दिल्ली टू काठमांडू, वो अपनी टेक ऑफ करेगी अपना करीबन 7:55 पे। तो अभी बजे 6:30 हैं, तो मैं अभी बैठा हूँ, तो मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ इस बारे में कि अगर आप नेपाल जा रहे हैं तो नेपाल
जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत है या नहीं, और साथ ही क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे अगर आप नेपाल जा रहे हैं। तो अगर नेपाल जाएंगे तो आपके पास या तो एक वैलिड वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए जो कि इंडियन गवर्नमेंट इशू करती है। आधार कार्ड यहाँ पे चलता नहीं है, तो आधार कार्ड लेके बिल्कुल भी ना आए। आईडी कार्ड हो तो आईडी कार्ड के लिए भी एक अलग से एक सेपरेट लाइन बनाई गई है, तो आप उसी लाइन में आएंगे तो बेटर है, नहीं तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। और अच्छा रहेगा कि जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए 3 घंटे पहले रिपोर्टिंग करनी पड़ती है एयरपोर्ट पे, तो अच्छा होगा कि आप समय लेके आएँ ताकि अगर कुछ डिले हो तो आप आराम से कवर कर सके, आपकी फ़्लाइट वगैरह मिस ना हो। तो फिलहाल बैठे हैं, अभी आपको दिखाता हूँ मैं जहाँ पे यहाँ रेस्टिंग एरिया होता है ना, जहाँ पे आप अगर पहले आ जाते हैं तो सीट पे रेस्ट कर सकते हैं। तो ये पीछे रेस्ट की सीट है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख लो, ये देखो भाई साहब, अभी जब लेट रहे हैं ये आप आराम से ऐसे रिलैक्स करके लेट सकते हो। और ये 14A का गेट है हमारा। तो गाइज जो नेपाल है, नेपाल बिल्कुल इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री कंट्री है, तो आप आराम से जा सकते हैं। और नेपाल के बारे में अगर कुछ हिस्ट्री आपको पता हो तो पता है कि एक नेपाली एक ऐसी कंट्री है जो आज तक कभी भी किसी की गुलाम नहीं हुई है। तो नेपाल एक ऐसा राज्य है जो कि 10 पर्वतों से घिरा हुआ है, जो जिसमें माउंट एवरेस्ट वगैरह होती है, और आप वहाँ पे जो शिव जी का है, क्या नाम है उसका, नाम भूल गया हम। हाँ, तो नेपाल में जो मैं आपको बता रहा था पीछे, मैं भूल गया था, थोड़ा यहाँ पे है वो पशुपतिनाथ का टेंपल, तो नेपाल फेमस है ही, काठमांडू लोग आते हैं इसलिए, क्योंकि जो केदारनाथ दर्शन करते हैं उन्हें पशुपतिनाथ दर्शन करने होते हैं, जब भी केदारनाथ पूरा माना जाता है, ऐसी मान्यताएं हैं। तो गाइज अगर आप नेपाल आ रहे हैं काठमांडू, तो आप कैलाश मानसरोवर भी जा सकते हैं, क्योंकि कैलाश मानसरोवर जाने के 3 रास्ते हैं, एक तो इंडिया से, दूसरा चाइना से, और तीसरा नेपाल से। हालांकि चाइना तो आप अगर पर्वतारोही हैं, मतलब जो क्लाइंबिंग करते हैं माउंटेन पे, तो अगर आप वो जा सकते हैं तो आप ट्रैकिंग करके भी जा सकते हैं, उसमें काफ़ी टाइम लगता ही आपको। वैसे अगर आपको कैलाश मानसरोवर देख रहे हैं तो आजकल उसके लिए फ्लाइटें वगैरह चली हुई हैं, जो कि नेपाल से, इंडिया से और चाइना से, तो आपको करीबन राउंड ऑफ करके फ्लाइट दिखा देती है, ऊपर से 5 से 6 किलोमीटर दूर से आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, उतारते तो नहीं है पर फ्लाइट के थ्रू ही दिखा देते, तो आप वो भी देख सकते हैं। क्योंकि चाइना से भी थोड़ा इशू चल रहा है, इस वजह से चाइना भी माउंट एवरेस्ट पे इंडियन को जाने नहीं दे रहा है। अभी जो अपने ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, तो अभी उत्तराखंड की साइड से एक रास्ता बना रहे हैं कैलाश मानसरोवर के लिए, उसके बाद हम इजिली कैलाश मानसरोवर भी जा सकते हैं। तो तब तक तो हमें दूसरों के ऊपर ही निर्भर करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी बैठा हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, जैसे ही बोर्डिंग स्टार्ट होगी मैं दोबारा आप लोगों से कनेक्ट होऊंगा। अभी कुछ टेक ऑफ वगैरह अगर कुछ दिखता है तो मैं आपको दिखाऊंगा जाके। तो गाइस फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गई, अभी गेट नंबर 14 है जहाँ से हमारी बोर्डिंग हो रही है। अभी बोर्डिंग करके चलते हैं अपने एयरक्राफ्ट की तरफ, जो कि विस्तारा सामने खड़ा है। ये देख लो, ये विस्तारा है अपना, जिसमें आज भाई दिल्ली से काठमांडू की जर्नी होगी। तो अभी अंदर का व्यू दिखाते हैं, अंदर कैसा है, अभी तो लाइन लगी हुई है, तो मिलते हैं आपको फ्लाइट के अंदर। ये देखो फ्लाइट में भी ना अपने बस की तरह लोग खड़े हुए हैं अभी सीट के लिए, ना थोड़ा सा भी इंतजार नहीं है किसी को, पूरा देखो जैसे बस में खड़े हो जाते हैं ना हम लोग, उसी तरह से खड़े हुए हैं। ये पूरा अंदर से विस्तारा का एयरक्राफ्ट का व्यू है। तो गाइज अब टाइम आ गया है टेक ऑफ का। तो भाई मुझे टेक ऑफ पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो विस्तारा की इंटरनेशनल फ्लाइट है, तो इसका टेक ऑफ आप देखो और आप बताइए कि आपको टेक ऑफ कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको कैसा लगता है, बाकी फिलहाल आप इंजॉय करो ये। सो गाइस फ्लाइट टेक ऑफ के 15 मिनट बाद ही हमारे लिए आ गया ब्रेकफास्ट। तो आज वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट में बन, दही, इसके अंदर इडली वगैरह है, और ये आपका जूस। तो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस थोड़ी देर बाद ही इसमें ये होता है सैनिटाइजर का एक छिड़काव होता है, जिससे कि कोई वायरस वगैरह ताकि अंदर पनपे ना, तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा। बाकी गाइस एक चीज़ जो मुझे इस विस्तारा की फ्लाइट में अच्छी लगी, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने पर्सनली पहली बार ऐसा देखा कि किसी फ्लाइट में अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसके लिए खाना अलग से आता है। क्योंकि मेरे पास एक अभी जेंटलमैन बैठे हुए थे, तो उन्हें डायबिटीज़ था, तो उनके लिए अलग से डायबिटीज़ का खाना आया। ये मेरे लिए एयरलाइंस में सबसे यूनिक एक्सपीरियंस था, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि अगर इस तरह की पहल एयरलाइंस करती है तो वाकई में बहुत अच्छा है, जिससे कि अगर कोई पेशेंट है डायबिटीज़ वगैरह का तो उसके लिए बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, आई रियली अप्रिशिएट दिस फॉर विस्तारा। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक ज़बरदस्त व्यू। गाइज ये देखो, जो माउंटेन है नेपाल के 10 जो बड़े माउंटेन है उसमें से ये कोई माउंटेन्स है जिसका व्यू बड़ा अच्छा आ रहा है। पिक्चर से जितना दिखा सकता हूँ उतना दिखा रहा हूँ, पर रियल में अगर आप
खुद ये महसूस करोगे, देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल आप ये व्यू एंजॉय करो, मैं मिलूंगा आपको थोड़ी देर में। तो गाइज अब बारी है अपनी त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू में लैंडिंग की। तो फिलहाल हम काठमांडू में लैंड कर चुके हैं भाई। अब आगे की व्लॉगिंग मेरे साथ करेंगे विस्तारा के क्रू मेंबर्स। तो क्रू मेंबर्स अब बताएंगे आपको काठमांडू के वेदर वगैरह के बारे में। बाहर का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। आप अपने मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं। सभी यात्रियों से निवेदन है कि कुश्ती की बेटी का संकेत बंद होने तक अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठे रहे। ऊपर बनी सामान का रास्ता मैं से खोले। हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सुबह थी। क्यों की ओर से हमारे साथ यात्रा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। किसी भी प्रकार की फीडबैक के लिए हमारी वेबसाइट everstar.com पर हमसे संपर्क करें। सभी यात्री जो व्हीलचेयर की सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं उनसे निवेदन है कि वे अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठे रहे। हमारा कैब शीघ्र ही आपकी सहायता करेगा। धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू काठमांडू। द टेम्परेचर आउटसाइड इज 26 डिग्री सेल्सियस। गिवन आवर यूज़ द मोबाइल फोन्स, वी रिक्वेस्ट यू टू बी सिटिंग सीटेड आफ्टर द सीट बेल्ट हैज़ बीन स्विच्ड ऑफ। डू टेक केयर व्हाइल द ओवरहेड वेट्स एंड आइटम्स मे हैव शिफ्टेड ड्यूरिंग द फ्लाइट। वी होप यू हैव एंजॉयड योर फ्लाइट विद अस ऑन बिहाफ ऑफ विस्तारा फ्रॉम दिस फ्लाइट। वी थैंक यू फॉर चूज़िंग टू फ्लाई विद अस एंड लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन सून। टू शेयर योर फीडबैक और एक्सपीरियंस प्लीज विजिट एवरी सीटेड एंड असाइन्ड सीट अंटिल All customers have disembarked the aircraft. Our cabin crew will be assisting you shortly. Thank you. तो गाइस ये थे विस्तारा के क्रू मेंबर जिन्होंने भी आपको सब कुछ काठमांडू के बारे में बताया। तो उन्होंने भी हमारे साथ व्लॉगिंग की। बाकी अब हम उतर रहे हैं, ये अंदर का फ्लाइट का व्यू है। तो गाइस फिलहाल पहुंच चुके हैं हम नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो कि काठमांडू में है। और यहाँ का इंटरनेशनल एक ही एयरपोर्ट है, त्रिभुवन एयरपोर्ट, और एक शायद पोखरा में है। तो फिलहाल हम यहाँ पहुँच गए। अभी हमने बैगेज क्लेम वगैरह कर लिया। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ की है कि अगर बैगेज क्लेम करने के लिए आपको देरी हो जाती है तो ये जो स्टाफ वगैरह वो अपना आप उठा के अपना बैगेज नीचे रख देता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक छोटा सा एयरपोर्ट है पर चीज़ें काफ़ी सिस्टमेटिक तरह से हैं, क्योंकि इंडिया में भी जिस तरह से हम अराइवल करते हैं तो अराइवल के टाइम चेकिंग वगैरह नहीं होती, पर नेपाल में इस तरह की चेकिंग वगैरह देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये सिस्टम अगर हम अपने इंडिया में भी अप्लाई कर दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी छोटा सा एयरपोर्ट है, इसका व्यू देख लो आप। ये वेलकम टू नेपाल, ये छोटा सा एक अराइवल बोर्ड लगा हुआ है जिसमें यहाँ पे टाइमिंग वगैरह दिखती है। सामने भी 5 बैगेज बेल्ट हैं इसकी, जैसे अपने दिल्ली में तो 26 बेल्ट हैं पर नेपाल की इसमें 5 बेल्ट है। तो 5 बेल्टों पे आपकी जो सी फ्लाइट आपकी आती है उसके अकॉर्डिंग अपना बैगेज वगैरह क्लेम कर सकते हैं। अभी चलते हैं बाहर, फिर दिखाएंगे थोड़ी देर में। तो गाइज वेलकम टू नेपाल, अब आगे की वीडियो थोड़ी देर में दिखाते हैं आपको। तो गाइज अभी ना हम अराइवल एरिया में हैं उसके काठमांडू के। तो अभी हम जा रहे हैं अपने एग्जिट एरिया में जहाँ पे हमें जो हमारा टैक्सी ड्राइवर है वो मिलेगा। तो आप बाहर निकलते ही, जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सिम काउंटर, मनी एक्सचेंज काउंटर दिख जाएंगे। तो अगर आप मनी एक्सचेंज या सिम वगैरह लेना चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं। वैसे हमने जो हमारे टूर गाइड है उसने हमें बताया कि आप बाहर से ज़्यादा लेंगे तो बाहर से आपको ज़्यादा अच्छे रेट मिल जाते हैं एयरपोर्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सभी कंट्रीज़ में इसी तरह का है। तो अभी बाहर चल रहे हैं, बाहर चल के दिखाते हैं आप। तो गाइस ये थी हमारी दिल्ली से नेपाल की एयर विस्तारा के थ्रू जर्नी। आप बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये जो नेपाल की सीरीज है बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अभी आने वाली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन गाइस, बाय बाय, जय हिंद।